वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमबीए विद आशिकांत। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई के बारे में। आई थिंक ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में देयर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग इन माई लाइव सेशन। आई हैवंट गॉन थ्रू द कमेंट सेक्शन बट इन माई लाइव सेशन बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं मुंबई में स्पेशली जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA ऑफर करते हैं। तो आई मीन अब कुछ सालों से द सेम कॉलेज स्टार्टेड ऑफरिंग PGDM ऑल्सो, राइट? सो वी एज अ स्टूडेंट नॉट आई You as a student have confusion ki boss how these options are, and that's what I'm going to discuss in this video. So let's start with the highlights. First of all, right, Mumbai location hai to city exposure obviously hai. 1994 ka hai, Mumbai mein hai, 9 acres mein hai, AICT approved hai, DT matlab obviously Maharashtra Mumbai University se affiliated college hai, kai sare courses karata hai, 4 courses and 3 streams, 300 plus seats hai, and yes, एडमिशन प्रोसेस पे भी डिस्कस करेंगे। PGDM कराता है, AICTE अप्रूव, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। ये कुछ रैंकिंग है, आपको पता है अगर आप मेरे पहली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं, मुझे लगता है कि आपको एडमिशन जो है रैंकिंग के बेसिस पे नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज आप एक गलत डिसीजन लोगे। मैं यहाँ पे टीयर 1 कॉलेजेस को छोड़ के बात कर रही हूँ। सेकेंडली अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको पता है मैं इसको स्किप करूँगी, राइट? इंटरनेशनल स्टडी टूर की बात करें तो इलेक्टिव प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड दी स्टूडेंट्स विद अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइट? तो ये इंटरनेशनल टूर जो है वो मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PGDM के लिए, इट्स वेरी सिंपल, राइट? कि अप्लाई करना है, इंटरव्यू होगा, एज सच कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। MMS के लिए 50% उसमें, देन महाराष्ट्र की सीटी की जो महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है, उसके बाद कैप काउंसिलिंग होती है जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं कैप के थ्रू मिलता है, तो उसके थ्रू कट ऑफ जाता है बिकॉज वहाँ पे ये सारे कॉलेजेस जो हैं, अगर आप मुंबई में देख रहे हो तो यही 4-5-6 कॉलेजेस हैं, बच्चा या तो JBIMS हर किसी को मिलेगा नहीं, सिमश्री हर किसी को मिलेगा नहीं, फिर बच्चा SIS रखेगा, राइट? वेलिंगकर रखेगा, SIS रखेगा, देन MET रखेगा, देन चेतना रखेगा, या IAS रखेगा, या ये विवेकानंद रखेगा, यही सारे कॉलेजेस हैं। तो कट ऑफ जो है वो 90+ चला जाता है, राइट? क्योंकि फीस कम है तो जिनको डिग्री के लिए MBA या MMS करना होता है वो देखते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं फिर से बता दूं, कैट, जैट, मैट, एटमा, सीमैट, जीमैट के बेसिस पे आप इनके PGDM के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप MMS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कैट, सीमैट और महाराष्ट्र सीटी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये वेटेज है 25%, देन आपका अकेडमिक्स 25%, पर्सनल इंटरव्यू 45%, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो 5% का वेटेज है। सिलेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। MMS के फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आई थिंक इट्स लाइक 2,60,000 इज द फी स्ट्रक्चर, राइट? ट्यूशन फीस है ये, एंड अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो टोटल 2,65,000 का फी स्ट्रक्चर है। PGDM की बात करूं तो 8 लाख का फी स्ट्रक्चर है 2 साल का, राइट? PGDM अभी ये सारे कॉलेजेस, चेतना, MET, ये सारे कॉलेजेस ने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है, ये पहले नहीं ऑफर कर रहे थे। तो मेरा सिंपल सजेशन है, अगर आप विवेकानंद देख रहे हो, MMS के लिए देख रहे हो, तो फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो बिकॉज फीस कम है, ROI मिल जाएगा। बट अगर आप PGDM के लिए देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि PGDM के लिए क्या ये कॉलेजेस कहाँ स्टैंड करता है, लिस्ट में और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनको पहले रखना चाहिए या इसको पहले रखना चाहिए, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही है या नहीं, बिकॉज आई नॉट से कि यार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको यहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हो कि यार कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन प्लेसमेंट्स की बात करें तो 7 लाख का एवरेज क्लेम करते हैं, इंटरनेशनल सैलरी 19 लाख, वैसे डोमेस्टिक हाई इज 12 लाख, बट 7 लाख इज नॉट द एवरेज पैकेज, इट्स लाइक 6 के आसपास का एवरेज पैकेज है। तो अगर अगेन अगर आप MMS के लिए देख रहे हैं, गुड टू गो। अगर आप PGDM के लिए देख रहे हैं तो सी की अदर ऑप्शंस क्या हैं और उसमें इसको कहाँ रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस आग बंद करके चले जाओ, टॉक टू दी स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्टेड टू कनेक्ट ऑन LinkedIn, आप सिंपली कॉलेज का नाम डालोगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप नीचे का फॉर्म फिल करके भी कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोस्ट वीडियो लाइक दिस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.